नीट पेपर लीक मामले में जारी जांच में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले को सुनकर आप हिल जाएंगे, आपका होश उड़ जाएगा। देश के इतने महत्वपूर्ण परीक्षा के साथ जिस तरह से धांधली की गई है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और इस स्कैम में बहुत बड़े बड़े नाम फंसने वाले हैं। अभी जो जानकारी आई है उसके तार कई बड़े लोगों से जुड़ते दिख रहे हैं। बिहार पुलिस और राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट यानी EOU जैसे जैसे अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, नए नए मामले उजागर हो रहे हैं। आखिर क्या है ऐसा बड़ा खुलासा जिससे सिर्फ बिहार नहीं पूरा देश हिल गया है, चलिए विस्तार से बताते हैं। अब तक सिकंदर यादवेन से लेकर अमित आनंद के नाम की इस स्कैम में सबसे अधिक चर्चा थी। बिहार पुलिस ने इन दोनों को नीट पेपर लीक केस का मुख्य आरोपी माना था, लेकिन अब इस मामले में एक प्रोफेसर की एंट्री हो गई है। माना जा रहा है कि असली मास्टरमाइंड के बारे में तो खुलासा अब हुआ है, जिसकी तलाश बिहार पुलिस को पहले दिन से थी। अब बिहार पुलिस को इस केस में संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की तलाश है, यही इस स्कैम का असली मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव मुखिया नगर नौसा का रहने वाला है। बिहार पुलिस और EOU का मानना है कि नीट का पेपर अगर सबसे पहले कहीं पहुंचा तो संजीव मुखिया के मोबाइल पे। ऐसे में संजीव मुखिया ही इस राज को उगल सकता है, उसकी गिरफ्तारी के बाद सब कुछ सामने आ सकता है। बताया जा रहा है कि इसी मुखिया ने 4 मई की रात को पटना के बाहर खेमनीचक स्थित लर्न प्ले स्कूल एंड बॉयज हॉस्टल में 20 से 25 अभ्यर्थियों को ठहराया हुआ था। यह हॉस्टल मुखिया के दोस्त प्रभात रंजन का है। संजीव मुखिया ने प्रभात रंजन के मकान को पूरी सेटिंग के लिए किराए पे लिया था। ऐसे में अब प्रभात रंजन भी इस मामले का बड़ा आरोपी बन गया है। मुखिया की तरफ से यहीं पर इन छात्रों को पेपर लीक और उसके साथ आंसर की मुहैया कराया गया और पूरी रात पेपर रटवाया गया ताकि अगले दिन वे परीक्षा में पास हो सके। संजीव मुखिया को किसी प्रोफेसर ने मोबाइल पर नीट का पेपर भेजा था। अब ये प्रोफेसर कौन है, पुलिस को असल में इसकी तलाश है। मुखिया या प्रोफेसर जो भी मिल जाएगा, इस जांच में कई बड़े खुलासे होने तय हैं। प्रभात रंजन दनियावां का प्रखंड प्रमुख रह चुका है, उसकी पत्नी भी मुखिया रही है। माना जा रहा है EOU ने इनसे पूछताछ कर ली है। इस पूरे मामले में संजीव मुखिया, प्रभात रंजन और एक प्रोफेसर की संलिप्तता सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो EOU ने आरोपी प्रोफेसर की पहचान भी कर ली है और जल्द ही उसका खुलासा हो सकता है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम लेकर होंगे हाजिर। आप देखते रहे लाइव UP न्यूज 24। नमस्कार।